तो हम लोग फिर से रेडी हो रहे हैं बाबू के स्कूल में फाइनली आज जाने के लिए। आज इसका रेस होने वाला है, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। वैसे अभी भी इसका तबीयत पूरी तरह सही नहीं हुआ, अभी भी फीवर है ही इसको। वैसे रेडी हो जाओ बेटा, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। हाँ, हमारे लिए भी पानी हम ले लिए हैं। मैंने लिया बे। हाँ जी बेटा, आपके लिए भी सब कुछ मम्मा रेडी रखी हुई है इसमें। और ये मेरा एज यूजल पिट्ठू बैग, सारा सामान इसी में रहता है हमारा। तो कैसा चले, लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चले बेटा, हाँ चलिए। चलिए, मेरा बेटा भी ऐसे दरवाजा खोलो। गिरा हुआ है क्या कुछ? दाल चेंज कर दो क्या? चेंज कर दे इसका। वहां तो ऐसे उतारना ही है। हाँ, बट फिर डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा नहीं लग रहा यार, ऐसे नहीं लग रहा जैसे। इसके बाद ना मैंने उसका वो चेंज कर दिया है स्वेटर, और उसके बाद से मैंने जैकेट पहना दिया था, क्योंकि ये अभी पहनाओ ना और अभी का ही गंदा कर देता है। तो जस्ट मैंने पहनाया था और ऊपर से थोड़ा सा खाना गिरा लिया और फिर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने चेंज किया, जैकेट पहना दिया, और इसकी तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। बट फिर भी मैं लेके गई थी कि यार चलो ठीक है, तबीयत सही रही तो करेगा, नहीं तो फिर देखिएगा कम से कम थोड़ी देर जो भी बैठ के। वैसे भी डॉक्टर के पास लेके जाना ही है। और ये देखिए, हम स्कूल में पहुँच जाते हैं, दूसरे मतलब अदर वेन्यू पर होना होता है इनका इवेंट, तो बस वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। 11 बजे का टाइमिंग रहता है और 11 बज चुके हैं अभी। सारे देखिए पेरेंट्स आ चुके हैं, और वहाँ जाने के बाद थोड़ा हम फोटो शूट ये सब भी कराते हैं बाकी लोगों के साथ। और मैं अपने बेटे को दिखाती हूँ कि देखो वहाँ पे आद्या है या फिर जो भी रहते हैं ना स्टूडेंट उनको। और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है ना, तो यहाँ पे सारे बच्चे फोटो शूट करा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हम भी अपने बच्चे के साथ करा ही लेते हैं थोड़ा सा। तो बस वो फोटो शूट भी करते हैं। और उधर से ना एक इसकी फ्रेंड होती है जो हमारे ही कैंपस में रहती है, आर्या, तो वो भी थी। तो उसकी मम्मी ना उसको आर्या को बुला रही थी कि देखो आर्या मिताक्ष आ गया है, तो मैं उसी को देख रही थी। बट वो है ना कि अपने खेलने में ही वो बिल्कुल इन्वॉल्व थी। तो ये देखिए आ गया है, ये दूसरा है, ये आद्या नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पे फाइनली मेरे बेटे का ब्लॉक रेस स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए जो फर्स्ट में आता है वो मेरा बेटा होता है, जिसके कि टी शर्ट पर प्रिंट होता है। अभी आएगा, ये देखिए जो हाथ में मैम पकड़ के, देखिए अभी अभी ये आ गया फर्स्ट में जो है वही है मिताक्ष। और यहाँ से देखिए इनका ब्लॉक रेस स्टार्ट होता है। तो ब्लॉक को क्या होता है ना कि वहाँ पे जाके दूसरे एंड पे जाना है, वहाँ पे लगाना होता है। और अब देखिए ब्लॉक लेके ये लोग जस्ट दौड़ रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं यार ये कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी इसकी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल, खाना पीना कुछ खा नहीं रहा है, और आग भी इतनी वाटरी था और इतना इचिंग हो रहा था ना, मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये कर पाएगा। पर फिर भी इसने किया, और धूप भी हो रही थी, गर्मी भी हो रही थी। अच्छा है कि बहुत ज़्यादा कुछ पहनाया नहीं, नहीं तो बाकी बच्चों को तो इतना कुछ पहना दिया था ना ऊपर से कवर कर करके, बच्चे परेशान हो गए होंगे पहन पहन के ही। तो वही दो तीन ब्लॉक होता है जो कि जाके और यहाँ पे देखिए फिक्स करना होता है। और तो फाइनली इसने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि ये प्ले ग्रुप में है ना, तो इसका बस एक ही स्पॉट्स होता है ऐसा, और उसके बाद इन लोगों को फिर मेडल दे दिया जाता है जब ये पूरे सारे लोग ना रेस कंप्लीट करके आ जाते हैं। क्योंकि अभी देखिए उधर तीन चार जन आना बाकी ही हैं, भाई बस ये तीन ही जन आए हैं जिन्होंने कम्प्लीट किया हुआ है रेस। और यहाँ पे ना इन लोगों को देखिए मेडल मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो अभी 3 साल का है, अभी इसने 2 मेडल जीता हुआ है। और जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता है फिर यहाँ पे अपने बच्चे को कलेक्ट करना होता है, तो मैं भी देखो इसको लेके आ गई हूँ। और साथ में स्नैक्स मिलता है जो कि इसको खाना बहुत पसंद है। तो पहले वो चिप्स ही खाता है, चिप्स नहीं होता उसकी जैसा कुछ होता है, और वो भी क्रंची क्रंची सा। फिर हम लोग फीवर चेक करते हैं कि इसको फीवर तो नहीं है, और फिर जैसे ही देखते हैं यार यहाँ पे भी ना कुछ खेलने का स्लाइडर ये सब कुछ कुछ बना हुआ है, तो ये भी जाके खूब सारी मस्ती करता है, खेलता है। इसका फिर हम लोग घर आ जाते हैं। तो हम लोग फंक्शन से मतलब स्पोर्ट्स डे था आज, उससे घर आ चुके हैं, और शाम हो गई है। इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई ना, क्योंकि बाबू को हॉस्पिटल ले जाना था और बहुत डल हो गया था ये। और डॉक्टर को हमने दिखाया इसका आँख फीवर का, तो काफ़ी सारा मेडिसिन मिला है इसको। मेडिसिन खाते खाते मेरा बच्चा परेशान हो गया है, और अभी उठा है सो के, अभी 7 बजने वाला है। सोचिए इतना लेट सोया है ये, सो लेट सोया था और लेट जगा भी है अभी। तो हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके चले जाए घुमाने के लिए, और वहाँ पे पानी पूरी एक ठेला पे लगाने के लिए एक आता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको वो भी खिला दें तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा, है ना बेटा? और इसका देखिए आँख एकदम थोड़ा सा लग रहा है जैसे स्वेल हो गया है, वैसा लग रहा है। और
हल्का सा फील होता है जब सो के उठता है ना, और बहुत ही वाटरी आईज हो गई इसकी, लगता है इचिंग भी होता है ना, तो थोड़ा बहुत परेशान हो गया, एकदम नोजी भी आ रही है, आँख से भी पानी। चलिए ये देखिए बिल्कुल चल रही है कि कंडीशन में नहीं है, क्योंकि सो के उठा है ना, इसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, ऊपर से तबीयत सही नहीं है, ये तो हमेशा चल के जाता है, कभी गोद में करके हम लोग ले जाएंगे इसको। तो ये देखिए हम फाइनली पानीपुरी वाले के पास आ गए हैं, जो हमारे क्या खा रहे हो बेटा, बाहरी होता है, और मेरे हस्बैंड खा चुके होते हैं, और उसके बाद फिर मैं खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ फीमेल्स दिखेंगी ना, जो कि हमारे ही कैंपस की होती हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, आई होप कि हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.